महानगर के थाना मझोला अंतर्गत आयशा मस्जिद जयंतीपुर निवासी गुलनास परवीन नामक महिला ने अपने पति व ससुराल वालों पर उसका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किए जाने व उसे घर से निकाल दिया जाने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। सोमवार को गुलनास परवीन अपने जीजा व रिश्तेदारों के साथ एसएसपी से मिली और एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उसका पति व ससुराल के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। देवर पर बुरी नजर रखने का आरोप भी लगाया गया है। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए पीड़ित महिला गुलनास परवीन ने पत्रकारों के सामने रोते हुए अपनी पीड़ा इस तरह से व्यक्त की। ससुराल वालों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई, 2 साल मेरी शादी हो गई, लेकिन अब मैंने अपना मुंह खोला, अपनी आवाज उठाई, उन लोगों ने मेरा पहला बच्चा खत्म करा दिया, दूसरे की मेरी सास ने सफाई कर दी, तीसरा मेरा मेकअप मेरा बच्चा रोका, मेरे पापा ने मेरी लॉकडाउन में शादी की थी, मेरे पापा से गाड़ी मांगते हैं, मेरे पापा तो कर भी नहीं रहे, तो उन लोगों ने जबरदस्ती से मेरी शादी कर ली अपने घर। आपकी शादी किससे और कब हुई थी? मेरी शादी 14 जून को हुई थी, 2 साल हो गए। किसके ये साथ मेरा बेटा है, मेरे पापा ने सारा खर्चा उठाया है इसका, मेरा शोहर मुझे अस्पताल से छोड़ के भाग गए थे, मेरे पापा ने सारा खर्चा उठाया है। जब मेरे पापा मेरे ससुराल जाते हैं मुझे समझाने, तो मेरे जेठ और मेरे देवर मारा पीटी करते हैं, मेरे पापा को मारा, आज मेरे बहनोई साहब गए इन्हें मारा, मेरे भाई को मारा, और मेरे देवर ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की। रात के 9 बजे मेरे शोहर घर में नहीं थे। आपके शोहर का नाम क्या है? जुनेद। कहाँ रहते हैं? जयंतीपुर। क्या हुआ रात बताएं? रात बहुत बदतमीजी की है, मेरे देवर ने मेरे जेठ मिले हैं उनसे, मतलब आपसे कोई मांग करते हैं दहेज? जी हाँ, गाड़ी मांगते हैं, और अब मेरे पापा ने इन्वर्टर लगवाया है किस्तों पे, मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है मेरे पापा का। कोई आपने पहले शिकायत की थाने में, रिपोर्ट दर्ज कराई? पहले जी कराई थी। कोई कार्रवाई हुई? जी फैसला कर लिया था उन लोगों ने मुझे बातों में लेके, मैंने कर लिया, मैं अपने बेटे के मुंह से चली गई थी, मैंने अपने माँ बाप की भी नहीं रखी, मैंने कहा मेरी औलाद पल जाएगी बस वहाँ पे, मेरी औलाद का आज गला घोट के मार रही थी मेरी सास, मेरे जेठ मिलके मेरे से छीन के लेकर आई वहाँ से। अब आप किससे मिली हैं और क्या शिकायत की आपने? मैंने अपने बहनोई साहब को बुलाया था, तो इन्हें बहुत मारा, पत्थरों से इनके सिर में घुमड़े भी डाल दिए, मैं इन्हें छोड़ के पिटता हुआ आ गई, अपनी औलाद को लेकर आ गई मैं। आज आप यहाँ आई हैं, किससे मिली हैं? किससे? कप्तान साहब से। कप्तान जी, वो जो है कप्तान साहब से। क्या मांग करी आपने? मुझे बस इंसाफ चाहिए, मैं बहुत परेशान हो गई। क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं? किसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं? जेठ के और उनके देवर के और अपने उनके सास के। शोहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? शोहर भी परेशान करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मुझे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चाहती हैं। जी हाँ।